राष्ट्र था, है और रहेगा, कैसे है, क्योंकि यस, आपकी उस एक पंक्ति को सुनकर बहुत बवाल मच गया है। अगर ये किसी को बवाल मच रहा है तो ये हमें लगता है उनकी खुद की निजी कमी है और उनको कोई ना कोई बीमारी है, उनको चेकअप कराना चाहिए, बहुत अच्छे डॉक्टर से दिखवाना चाहिए। हमारा कोई बवाल का विषय नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र, हिंदू का मतलब है हिंसा को दमन करके रहने वाला व्यक्ति हिंदू, और हम सनातनी व्यक्ति, हम सनातनी लोग, भारत के लोग हिंसा पर भरोसा नहीं करते, अहिंसा पर भरोसा करते हैं। तो हिंसा को दमन करके जीने वाले लोग हिंदू राष्ट्र के वासी हैं, और ऐसा भारत में संकल्पना, ऐसी संरचना की जाती है, ऐसा ध्येय रखा जाता है भारत में। तो हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। जो है अहिंसा के पुजारी नहीं है, हिंसा के पुजारी है, उनको हमारी इस बात से आग लगी होगी, और उनको लगी है तो उन्हें मेंटली चेकअप कराना चाहिए, हमें कोई दिक्कत। मतलब इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, आप कह रहे हैं? कोई लेना नहीं, कोई किसी पंथ से हमारी बुराई नहीं, हमने कभी किसी पंथ की बुराई की नहीं। हमारी प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक पंथ के प्रति सद्भावना और एकदम हमारी सब धर्मों के प्रति एकदम नतमस्तकता है, लेकिन सनातन के प्रति कट्टरता है। लेकिन देखिए ना, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे रिएक्शन आए। अब किसी ने ये कहा कि जो सवर्ण है हिंदुओं में वो बाहर से आए हैं, जो बाकी वर्ग है वो सब भारत के ही रहने वाले। तो ये वैमनस्यता फैलाने का एक सोचा समझा साजिश है जिसके पीछे विदेशी ताकतें लगी हुई है। भारत में जातिवाद के नाम पर लड़ा करके अपने साम्राज्य को स्थापित करने की बहुत बड़ी तरकीब है माय डियर सिस्टर। इससे हम आपको परे होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, जातिवादता से बाहर निकलना पड़ेगा। हमने कभी जातिवाद की बात नहीं की। हमारा जन्म ब्राह्मण वंश में होने के बाद हमने कभी ब्राह्मण नहीं कहा। हमने ये कहा कि हम सिर्फ सनातनी हिंदू हैं। सरनेम लिखने के लिए सबका लिखा जाता है, तो हमारा भी लिखा जाता है। शास्त्री जी, यही तो दिक्कत होती है ना, कि कई लोग सनातनी का जो की जो व्याख्या है वो कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि लगता है कि चुनिंदा जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। सनातनी की व्याख्या व्यापक है, जो कुछ लोग कर रहे हैं उनका निज मत है। वेद जो कह रहा, शास्त्र जो कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरित मानस कह रही है उसकी व्याख्या तो पढ़ी है। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, हमारा संविधान क्या कह रहा उसको तो पढ़ी है। संविधान कह रहा भारत धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, और बाकी पंथ धर्म सिर्फ सनातन धर्म है। तो आपका हिंदू राष्ट्र, आपके अनुसार जो हिंदू राष्ट्र है वो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है या जाति निरपेक्ष है? केवल पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, सामाजिक समरसता का राष्ट्र, भारत की सद्भावना का राष्ट्र, भारत की एकता का राष्ट्र, भारत की प्राचीनता का राष्ट्र। हमारा जो हिंदू राष्ट्र निजी राष्ट्र नहीं है, हमारा हिंदू राष्ट्र राम राज्य की भांति है, रामचरित मानस की भांति। इसमें दूसरे भगवानों को मानने वालों की जगह कहां पर है? इस्लाम के मानने वाले हमेशा, हमारा किसी पंथ से हमें कोई बुराई नहीं, धर्म सिर्फ सनातन धर्म है, एक बात आप पहले समझ लीजिए। दूसरी बात, हमारे सनातन धर्म से हमें किसी से दिक्कत नहीं है, किसी को हमसे दिक्कत है उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सामाजिक समरसता, हमें सबको एक करना है, प्रत्येक पंथ को रहने का अधिकार, प्रत्येक हिंदू राष्ट्र में व्यक्ति को रहने का अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति को रहने का अधिकार होगा। सिर्फ जातियां नहीं होगी, ना जातिवाद होगा, सिर्फ हिंदू होगा। तो इस हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, आप कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र पहले से है? पहले से ही है, पूर्ववत है, हमने स्थापना की बात ही नहीं की। एक जो बारीक लाइन है उसको मिटाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक जिस हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने की बात आती है उसे लेकर तो विभाजन की लकीरें खिंच जाती हैं। आप कह रहे हैं पहले से भारत हिंदू राष्ट्र ही है, हिंदू राष्ट्र। हाँ, इसलिए हम विभाजन पर बहुत ज्यादा हम भरोसा नहीं करते, हम तोड़ने पर भरोसा नहीं करते। वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा के, शास्त्र की चर्चा पर जीने वाले लोग हैं, और सनातनी व्यक्ति जो सच्चा होगा वो वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा को मानता होगा, और वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा जोड़ने का काम करती है, अभी तो तोड़ने का नहीं। रामचरित मानस में राम सेतु का जो पुण है वो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। हमने रामचरित मानस को पढ़ा है, ये हमारी आत्मा है रामचरित मानस, प्रत्येक हिंदू की, तो हमने जोड़ने का कार्य किया, तोड़ने का नहीं। पर इसी रामचरित मानस को फाड़ने वाले, इसको आग के हवाले करने वालों की संख्या देख रहे हैं कैसे बढ़ रही है आजकल? ये बढ़ती जाएगी, आदिकाल से ही राक्षस रहे हैं। आपने देखा नहीं रावण का साम्राज्य कितना बड़ा था, रावण के साथ कितने राक्षस थे, आपने सुना? आपने तो देखा नहीं होगा पर पढ़ा तो होगा, सुना होगा महापुरुषों की वाणी से, हमने भी नहीं देखा तो महापुरुषों की वाणी से देखा, तो आदिकाल से राक्षस रहे। आपके खिलाफ भी कुछ लोग होंगे, हमारे खिलाफ भी है, रामचरित मानस के खिलाफ भी है, और ये सदैव से चलता रहा। लेकिन इसमें शास्त्री जी, एक जो उनका लिखा हुआ जो ढोल गंवार को लेकर जो उन्होंने लिखा
जिसको लेकर कहा जा रहा है और समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इसको तो हटा दिया जाए उसमें से, क्या आपकी व्याख्या अलग है इन पंक्तियों को लेकर? हमारी रामचरितमानस की उस चौपाई पर कोई अलग व्याख्या नहीं। तीन बातें हैं। पहली बात तो सकल तारणा के अधिकारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारणा के अधिकारी, आप इसका भावार्थ पढ़िएगा तो सकल शिक्षा के अधिकारी, इसका अर्थ होता है ये चारों शिक्षा के अधिकारी हैं। ढोल भी शिक्षा का, गवार भी शिक्षा का, सेवक भी शिक्षा का और नारी। और प्रत्येक मनुष्य के अंदर चारों वर्ण है। ब्राह्मणोस्तु मुखमासीत बाहू राजन्यः कृता, मुख से ब्राह्मण है, बाहू से क्षत्रिय है, उदर से वैश्य है और चरणों से सेवक है। तो प्रत्येक मानव के अंदर चारों वर्ण व्याप्त हैं। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष जाति विशेष के लिए टिप्पणी गोस्वामी जी की नहीं है, अपितु प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह चेतावनी है कि सभी शिक्षा के अधिकारी। आपके विवाह को लेकर बड़ी चर्चा हो गई थी सोशल मीडिया पर। जी बहन जी, जी बहन कोई नहीं, आप भी आना बहन जी, ये पुरानी चर्चा है, शादी की चलती रहती है, होनी भी चाहिए चर्चा, तो कुछ ना कुछ चलना चाहिए। हम इस पे बहुत ज्यादा प्रसन्न या बहुत ज्यादा हो, लेकिन अब क्या करें, भूमिका है, धारा के विपरीत नहीं बैठ सकते। तो बिल्कुल मुद्दा है, बहुत जल्दी शादी होगी, अच्छे खानदान में होगी, भगवान जाने अब लुगाई कैसी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, हमसे बातचीत करने के लिए। आज तक टीम पूरी, धन्यवाद।